Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 7th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure video को last तक देखें so that सारी important news आपके यहाँ पर cover हो. तो चलिए start करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या discuss करना है. Now जैसा कि आपने यहाँ पे video में देखा है कि चार्ल्स III को क्या किया है, क्राउन किया गया है इन अ रीगल सेरेमनी. यहाँ पे उनका कोरोनेशन हुआ है. कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक होना. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आफ्टर 17 ईयर्स, 70 सालों के बाद यहाँ पर हमें एक नए राजा ब्रिटेन में, मतलब एक नए राजा उनको मिल रहे हैं. ये चार्ल्स III, इनकी एज कितनी है, 74 ईयर्स, इसलिए इसको थोड़ा हिस्टोरिकल माना जा रहा है. यहाँ पर एलिजाबेथ की बात करते हैं. इससे पहले जो हमारी क्वीन थी, ब्रिटेन की जो क्वीन थी एलिजाबेथ II, वो उन्हें 25 ईयर, जब वो 25 ईयर्स की थी तब वो ब्रिटेन की यहाँ पर क्वीन बनी थी इन 1953 में उनका कोरोनेशन हुआ था. ओके, तो देखिए इसमें हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है. आप सभी को पता है कि ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट वहाँ का जो हेड होता है वो कैसा होता है, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट जो होते हैं एक नॉमिनल हेड होते हैं, उसी तरीके से किंग एंड क्वीन ब्रिटेन के क्या होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रपोज्ड ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट लीव्स विलेजेस इन द कोंकण बेल्ट फ्यूमिंग. अब यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ है किसका, ऑयल रिफाइनरी का. उसको स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है कि उसका जो डेवलपमेंट होगा, उसका कंस्ट्रक्शन, मतलब उसको कहाँ स्टैब्लिश करना है, उस प्रोजेक्ट के लिए हमें लैंड चाहिए. और ये लैंड ना मतलब multi-million dollar यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट है ऑयल रिफाइनरी का. तो इसको यहाँ पर कहा गया कि महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र के कोंकण डिस्ट्रिक्ट में, कोंकण डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा. बट वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि ये जो कोंकण रीजन है वो कैसा है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है, बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है. अगर यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर मतलब कि हम इस्टेब्लिश करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारी स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा फौना, जितनी भी इस एरिया की एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, उसको यहाँ पर क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा. उसके लिए यहाँ पर थ्रेट होगा. इसके चलते यहाँ पर क्या हो रहा है, जो विलेजर्स हैं, इस ऑयल रिफाइनरी जो प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है. ओके, अब यहाँ पर गुजरात क्या कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है आप हमें यहाँ पे सौंप दीजिए. अब बात ये भी होगी, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि अगर ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे लगती है महाराष्ट्र में, इस रीजन में अगर ऑयल रिफाइनरी लगती है तो इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा. बट महाराष्ट्र के जो पीपल हैं वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खुद लोगों को जॉब देते हैं, दूसरे स्टेट्स के लोग आकर हमारे यहाँ जॉब करते हैं, तो हमें यहाँ पर जॉब की ज़रूरत नहीं है. ये सिर्फ क्या कर रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो रीजन है, कोंकण जो रीजन है, वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है और यहाँ पर जो भी एंडेमिक स्पीशीज है, फ्लोरा एंड फौना, उसको यहाँ पर थ्रेट करने की बात की जा रही है. उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, उनको यहाँ पे खतरा होगा ऑयल रिफाइनरी से. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिसेंट ट्रेंड लाइकली टू एक्सपेंड कॉटन फार्मिंग इन द नॉर्थ. अब यहाँ पर जो अभी आज इस टाइम पर जो रेन हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, इसके कारण ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ रीजन है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे हरियाणा, ओके, पंजाब साइड, जो हमारा पूरा नॉर्थ वाला रीजन है, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कॉटन है, कॉटन फार्मिंग, इसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक्सपेंड देखने को मिल सकता है. कॉटन कैसी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, समर के टाइम में इसको हम ग्रो करते हैं, इसकी मतलब कि इसको कॉटन को यहाँ पर हम उगाते हैं. अब देखिए कॉटन के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं. तो कॉटन का कल्टीवेशन इंडिया में मेजली जो 3 जोन्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है. पहला कौन सा है, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन एंड साउथ जोन. नॉर्थ जोन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि देखिए अभी इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, तो यहाँ पर जो कॉटन का कल्टीवेशन है हम उसको इंक्रीज करेंगे ताकि हमारी जो कॉटन में ग्रोथ हो वो और ज़्यादा हो. सेंट्रल जोन में कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात. एंड साउथ जोन की बात करते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ये कैसी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, विच रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर. इसको 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में. ठीक है, इसको समर के टाइम में आप क्या कर देते हैं, इसकी एग्रीकल्चर मतलब इसको इसकी जो बोते हैं, जो हम इसको बोते हैं, तो कब बोते हैं, समर सीजन में. ठीक है, उसके बाद इसको 6 से 8 मंथ लगते हैं मैच्योर होने में. ये ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है, आइडियल फॉर एरिड क्लाइमेट्स, मतलब कि जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, तो उस रीज़न के लिए जो कॉटन है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्रॉप कह सकते हैं आप। ऑक्यूपाइज 2.1 ऑफ द वर्ल्ड्स एरेबल लैंड, मीट्स 27% ऑफ वर्ल्ड्स टेक्सटाइल नीड्स। ये वर्ल्ड की 27% जो टेक्सटाइल नीड्स है उसको पूरा करता है, ठीक है। रेनफॉल की इसमें कितनी ज़रूरत होती है, अराउंड 50 to 100 सेंटीमीटर। टेम्परेचर इसको चाहिए कितना, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में इस क्रॉप को क्या किया जाता है, उगाया जाता है, इसकी फार्मिंग की जाती है। ये किस टाइप की सॉइल में यहाँ पर ग्रो करता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। आप सभी को पता है कॉटन जो होता है ब्लैक जो सॉइल होती है उसमें यहाँ पर मतलब कि ग्रो इसमें करता है। इसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो हमारा डेक्कन प्लेटो की सॉइल्स है, वहाँ का महाराष्ट्र रीजन में आप ब्लैक सॉइल आपको मिल जाती है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज अ टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन को ग्रो किया जाता है, उसके बाद चाइना और उसके बाद यूएस। स्टेट्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये आप यहाँ पे क्रोनोलॉजी इसको याद कर सकते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉटन को यहाँ पे इसकी ग्रोथ यहाँ पर इसकी फार्मिंग की जाती है। ओके, तो कॉटन हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ पर याद रखना खरीफ क्रॉप है। यहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर पार्ट है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज पाकिस्तान एंड चाइना वो टू प्रेस अहेड विथ सीपेक। अब आप सभी को पता है यहाँ पे सीपेक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे वेरियस हमारी जो एससीओ है, एससीओ की समिट होने वाली है और इससे पहले वेरियस हमारी मिनिस्टर मीटिंग्स होती हैं। इस मीटिंग्स में हमने क्या बात हो रही, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में एक बायलैटरल टॉक हुआ है। ये 4th पाकिस्तान चाइना फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, जिसमें उन्होंने बात की किसको, कि हम सीपेक को कंटिन्यू करेंगे, जिसके कारण चाइना एंड पाकिस्तान के जो रिलेशंस होंगे और वो स्ट्रांग होंगे। ओके, सीपेक आपको पता है ये BRI जो हमारा बेल्ट एंड रोड चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है। सीपेक की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये एक $60 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। किसके बीच में, कहाँ ये हो रहा है, आपको पता होगा ये पाकिस्तान जो हमारा LOC वाला पार्ट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ से क्या कॉरिडोर को बिल्ड किया जा रहा है। तो हम देखिए सीपेक के बारे में देख लेते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये क्या है, हमारा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक पार्ट है। ये कब लॉन्च हुआ था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। चाइना का इसमें एम ये था कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया एंड गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट। तो ये पूरा जो हमारा रीजन है, हमारा साउथ ईस्ट का रीजन, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करना है ना। मतलब चाइना क्या करना चाहता था, कनेक्टिविटी को यहाँ पर डेवलप करना चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू लैंड या फिर थ्रू सी रूट्स के हम क्या करें, यहाँ पे एक नेटवर्क को स्टैब्लिश करें। सीपेक क्या है, ये 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग चाइनाज नॉर्थ वेस्ट जीनिंग यूजगार ऑटोनॉमस रीजन एंड द ग्वादार पोर्ट इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान इन पाकिस्तान। आप इस मैप में देख सकते हैं ये चाइना का यहाँ पे काजगार है और इसको यहाँ से ये कॉरिडोर को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ग्वादार पोर्ट, इससे यहाँ पर क्या होगी, यहाँ तक इसका ये जो पूरा जो कॉरिडोर होगा इसको बिल्ड किया जाएगा। इससे क्या होगा, चाइना डायरेक्टली क्या एक्सेस कर सकता है, अरेबियन सी को यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। अब देखिए इसमें इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है। इंडिया ने इसको बहुत ही ज़्यादा अपोज किया, आप सभी को पता है क्यों, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ डेवलप किया जा रहा है, जो हमारा LOC रीजन है। आप देखेंगे LOC के पास से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इसको डेवलप किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंडिया की जो सोवरेनिटी है उसके लिए यहाँ पर एक थ्रेट बन रहा है। चाइनीज कंट्रोल ओवर ट्रेड विया सी, यहाँ पर हम क्या देखने को मिलता है कि अगर इस कॉरिडोर से चाइना को एक एक्सेस मिल जाएगी तो चाइना क्या कर सकता है, चाइना थ्रू सी और इस कॉरिडोर के थ्रू क्या कर सकता है, जो ट्रेड है उस पर पूरा कंट्रोल कर सकता है। चाइनीज स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, चाइना हैज बीन इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन विद द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एम्बिशन, अ टर्म कॉइन्ड बाय अमेरिकन्स एंड ऑफन यूज्ड बाय इंडियन डिफेंस एनालिस्ट टू रेफर द चाइनीज गेम प्लान ऑफ एनसर्कलिंग इंडिया थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयरफील्ड्स एंड पोर्ट्स। यहाँ पे क्या है, आपने सुना होगा इसको, चाइना स्ट्रिंग पर्ल्स। चाइना स्ट्रिंग पर्ल्स क्या है, चाइना मतलब जो इंडियन ओशन है हमारा, वहां पर क्या करना चाहता है, अपनी जो प्रेजेंस है उसको स्टैब्लिश करना चाहता है। और एक तरीके से ये थ्रू, या तो आप कह सकते हैं एयरफील्ड के थ्रू या फिर पोर्ट्स के थ्रू। आपने देखा था श्रीलंका में भी क्या कर रहा था चाइना ने, यहाँ पर पोर्ट को बिल्ड किया जा रहा था, ठीक है, हम्बन टोटा पोर्ट को यहाँ पे बिल्ड किया। अब यहाँ पर हमने देखा ये चाइना जो सीपेक है इसको यहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है। तो मतलब चाइना एक तरीके से अपनी जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन के पास में वहाँ पर पूरे उसको स्टैब्लिश करना चाहता है। ओके, यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान एज एन आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, यहाँ पर चाइना क्या बन रहा है, एक आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बन रहा है। किसके लिए, चाइना के लिए। ओके, तो इसलिए क्या है, ये कुछ इम्प्लीकेशंस है सीपेक जो है, इससे कुछ हमारे इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं. इसलिए इंडिया क्या कर रहा था, इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा था. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा साइंस सेक्शन में हम देखते हैं क्या है, FDA अप्रूव्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेस्पिरेटरी सेंसेशल वायरस. यहाँ पर जो हमारा RSV वायरस है, इसके लिए यहाँ पर पहली जो वैक्सीन है इंडिया में, इस यूएस में इस जो वैक्सीन है उसको यहाँ पे इसको अप्रूवल मिली है. अब पहले हम इस वायरस के बारे में देखते हैं ये क्या है. ओके, तो देखिए ये वायरस क्या है, रेस्पिरेटरी सेंसेशल वायरस. ये एक वायरस है जिसमें मतलब कि आपका जो लंग्स होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, आप इस पिक्चर में देखेंगे ये लंग और हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो ये वायरस इस तरीके का ये पूरा वायरस होता है. ये वायरस हमारे एंटर करता है जिससे हमारी जो एल्वोली होती है उसको ये कोलैप्स कर देता है. ठीक है, जैसे कि अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका रनी नोज होता है, ड्राई कफ, लॉन्ग रेट फीवर, मतलब कि बहुत लंबे समय तक आपको थोड़ा थोड़ा फीवर आ रहा हो, हमारा जो गला होता है वो खराब होता है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, हेडेक होता है, और सीवियर कंडीशन में आपको जो फीवर है वो कंटिन्यूसली रहता है. मतलब कि आपको एक बार, दो बार, तीन बार देख लिया, बट जो आपका फीवर रहता है वो कंटिन्यूसली बना रहता है. इसमें सीवियर कफ भी होता है, वीजिंग होती है, हाई पिच्ड नॉइज दैट यूजली हर्ट इन द ब्रीदिंग आउट एक्सेलिंग. मतलब कि वीजिंग का मतलब होता है जब हम यहाँ पर सांस लेते हैं, है ना, और सांस छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आना. मतलब कि जब हम सांस ले रहे हैं और एक्सलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, साउंड आती है, उसे हम कहते हैं वीजिंग. तो अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर से यहाँ पे कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई है. इसलिए यहाँ पर हमारे लिए क्या है, स्पेशली ये जो हमारे एल्डर पीपल्स हैं, ये पहले स्टार्टिंग में बच्चों को भी होता है, बच्चों के साथ साथ जो हमारी ओल्डर पीपल हैं, ओल्डर जनरेशन है, उसमें भी होता है. अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5000 लोगों के यहाँ पर क्या है, ये इस वायरस से क्या है, इन्फेक्टेड है, तो उस 5000 में 100 या 200 से ज़्यादा लोग क्या होंगे, यहाँ पर उनकी डेथ हो रही है. तो मतलब इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है. इसलिए यहाँ पर वेरियस जो वैक्सीन है उसको यहाँ पर डेवलप किया जा रहा था ताकि क्या किया जा सके, इस वायरस को यहाँ पर ख़त्म किया जा सके. अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या हुआ है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव द फर्स्ट वैक्सीन एरेक्सवी फॉर द रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसीज इन पीपल ओल्डर देन 60 ईयर. स्पेशली ये किस में होता है, हम देख रहे हैं 60 ईयर्स के, मतलब जो पीपल यहाँ पे 60 ईयर से भी ज़्यादा ओल्डर हैं, उन पीपल्स में हमें ये वायरस देखने को मिलता है. इसकी मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो फेज 3 ट्रायल यहाँ पे किया गया, टोटल इसमें 25,000 पार्टिसिपेंट्स हैं. ओके, और इसमें से 12,000 मतलब कि 12,500 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पर इस डोज को लगाया गया, जिससे कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हमारे सामने निकल कर आता है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज साइंटिस्ट हेल्प फाइंड न्यू काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर. अब यहाँ पे साइंटिस्ट को क्या मिला है, एक नए तरीके का मॉलिक्यूलर मोटर मिला है. पहले हम व्हाट इज मॉलिक्यूलर मोटर, इसकी बात करते हैं. मॉलिक्यूलर मोटर आर नेचुरल, बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म दैट आर एसेंशियल एजेंट इन मूविंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सेल है. ठीक है, हम अभी सेल की बात कर रहे हैं. सेल, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं. ओके, तो सेल के अंदर भी हम यहाँ पर क्या देखते हैं, बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स होते हैं. अब ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जिससे हम कहते हैं, इनमें भी क्या होता है, मूवमेंट होता है. तो ये मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, ये मूवमेंट कैसे होता है, तो इसी मूवमेंट को हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है. तो ये कहा जाता है कि सेल के अंदर क्या कुछ केमिकल्स होते हैं और इसमें केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक मैकेनिकल वर्क होता है. तो आप यहाँ पर देखेंगे अ मोटर इज अ डिवाइस दैट कंज्यूम एनर्जी इन वन फॉर्म एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मोशन और मैकेनिकल वर्क. मोटर क्या है, ये जो मोशन होता है उस मोशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है. ठीक है, मतलब एक जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मोशन में या फिर मैकेनिकल वर्क में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक केमिकल एनर्जी है, ठीक है, और उस केमिकल एनर्जी को मोटर ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया एक मैकेनिकल वर्क में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है, इसमें मूव कर सकता है इस प्लेस से इस प्लेस तक, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये मूव कर सकते हैं, जो राइबोसोम्स निकल रहे हैं राइबोसोम्स यहाँ पर मूव कर सकते हैं. ओके, तो ये जो क्या करते हैं, एनर्जी को यहाँ पर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं मोटर. अब इसमें बहुत सारे, अब ये जो मोटर है क्या, ठीक है, मोटर तो ठीक है, जो मोटर है हमने इसको कह दिया कि एक डिवाइस है जो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मोशन में. बट व्हाट इज मोटर, तो मोटर हमारी बॉडी में हम देखेंगे बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन वर्क करते हैं एज अ मोटर। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल मैनी प्रोटीन बेस्ड मॉलिक्यूलर मोटर्स हार्नेस द केमिकल फ्री एनर्जी रिलीज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इन ऑर्डर टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। जो हमारी सेल में एटीपी निकलती है हाइड्रोलिसिस के थ्रू, तो इससे यहाँ पर केमिकल फ्री एनर्जी रिलीज होती है। तो जो वेरियस प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूलर जो मोटर होते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं। अभी ये रिसेंट स्टडी हुई है, इस स्टडी में क्या सामने निकल कर आता है, पहले तो ये 2016 की स्टडी थी जिसमें ये बताया गया कि जो EEAI ये प्रोटीन है वो क्या करता है, मतलब कि जैसे कि ये प्रोटीन इस तरीके से होता है, ये लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिजिड होता है। मतलब कि आप एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें क्या होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसकी ये जो आप आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, एक दूसरे के साथ क्या होती है, पुल करती है और बहुत ज़्यादा पास में आने लगती है। मतलब कि आप ऐसे देखेंगे श्रिंक होने लगती है, इससे पास में आने लगती है और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है फ्लॉपी लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे कि एक आप देख सकते हैं कि बहुत ही लूज टाइप का स्ट्रक्चर, पहले ही बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, उसके बाद ये कैसा हो जाता है, फ्लॉपी स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये क्यों होता है, इसके यहाँ पर कुछ रीजंस दिए गए। द लेटेस्ट स्टडी फाउंड दैट फ्लॉपी प्रोटीन रिगेनिंग इट्स रिजिड शेप सो दैट इट कैन बिकम फ्लॉपी अगेन टू पुल मेम्ब्रेन क्लोजर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पहले रिजिड होता है, उसके बाद यहाँ पे ये कैसा हो जाता है, फ्लॉपी हो जाता है। ठीक है, और फ्लॉपी के बाद फिर से ये अगेन अपने शेप में, मतलब जो रिजिड शेप है उसमें यहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो मतलब ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है बाय रिपीटिंग बिकमिंग फ्लॉपी देन रिजिड हेल्प क्रिएटिंग न्यू काइंड ऑफ टू पार्ट मॉलिक्यूलर मोटर। जब ये ऐसी चीज होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा पहले रिजिड था इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे फ्लॉपी, एक तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से एक्सपैंड हो गया और ये रिजिड हो गया। तो इससे क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर मोटर यहाँ पे क्रिएट होता है। ये क्या है, एक प्रोटीन है, आपको यहाँ पे याद रखना है, ये एक प्रोटीन है EEAI, ये एक प्रोटीन है। पहले ये रिजिड होता है, फिर इसकी मेम्ब्रेन यहाँ पे एक दूसरे को पुल करती हैं और फिर ये फ्लॉपी लाइक एक स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे अपने आप को, जो इसका पहला शेप होता है, रिजिड जो शेप होता है, उसमें यहाँ पे अपने आप को कन्वर्ट करता है। ये कंटिन्यूसली यहाँ पे चलता रहता है, जिससे एक मॉलिक्यूलर मोटर यहाँ पर क्रिएट होता है। अब इसके लिए यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है, यहाँ पर GTP हाइड्रोलिसिस होता है। बस आपको यहाँ पे इतना याद रखने की जरूरत है, यहाँ पे GTP हाइड्रोलिसिस होता है और इस रिएक्शन के कारण यहाँ पर ये जो हमारा EEAI प्रोटीन होता है उसको एनर्जी मिलती है, जिसके कारण वो फिर से यहाँ पर रिजिड बनता है और फ्लॉपी बनता है। ओके, द EEAI प्रोटीन कैन हैव वन सेवरल ट्रिलियन शेप्स व्हेन इट इज फ्लॉपी बट रॉड लाइक शेप व्हेन इट इज स्टफ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ पे फ्लॉपी हो जाता है तो मतलब ट्रिलियंस ऑफ इसके शेप बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फ्लॉपी हो गया, अब ये किसी भी शेप में हो सकता है, चाहे ये ऐसे हो जाए या फिर कोई ये सर्कुलर पाथ में हो गया या फिर ऐसा हो जाए, मतलब इसका शेप जो है आप किसी तरीके से भी ये चेंज कर सकता है। बट ये जब रिजिड होता है तो उस टाइप में सिर्फ इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, द फ्लॉपी स्टेट हैज मोर एंट्रोपी एंड इट्स एंट्रोपिकली फेवर्ड। तो यहाँ पे इसके बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फ्लॉपी स्टेट में बहुत सारे हमें वेरियस स्टेट्स देखने को मिलते हैं। तो ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको यहाँ पर एनर्जी मिलती है। ओके, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने यहाँ पे हेल्प किया कि ये क्या है, एक न्यू मॉलिक्यूलर मोटर है। यहाँ पर हमने अभी इसके बारे में जो पूरा पढ़ा, तो ये क्या है, एक न्यू मॉलिक्यूलर मोटर है, जिससे यहाँ पर सेल जो है हमारी उनको यहाँ पर एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू वो यहाँ पर मैकेनिकल वर्क करती हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये छोटा सा यहाँ पर आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि हमने यहाँ पर देखा होगा जो लोकस्ट होते हैं, है ना, लोकस्ट क्या है, फूड सिक्योरिटी के लिए पूरे आप देखेंगे वर्ल्ड में एक थ्रेड बने हुए हैं। मतलब ये जो लोकस्ट होते हैं ये हमारे जो क्रॉप्स होती हैं उनको आते हैं, उसको यहाँ पे पूरा खा पी के और चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत, मतलब फूड सिक्योरिटी अक्रॉस द ग्लोबल, आपने देखा था कई बार यहाँ पे लोकस्ट का कितना ज़्यादा अटैक हुआ था, बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो लोकस्ट से यहाँ पे परेशान थे। तो अब इसमें यहाँ पे एक स्टडी हुई है, इसमें ये बताया गया है कि लोकस्ट क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे एक फेरोमोन नाम का एक मैली, आप एक तरीके से कह सकते हैं सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, जो मतलब कि लोकस्ट खुद को ही काट रहे हैं। आप ये इस तरीके का सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज करते हैं, जिसके कारण जो दूसरा लोकस्ट होता है उससे यहाँ पे अट्रैक्ट होता है और वो खुद को यहाँ पे खा लेता है, एक तरीके से ऐसा। तो लोकस्ट फॉर कैनिबैलिज्म, यहाँ पे जो माइग्रेटरी लोकस्ट हैं वो यहाँ पे किससे खत्म हो रहे हैं, कैनिबैलिज्म से। तो ये क्या रिलीज कर रहे हैं, एक फेरोमोन नाम का सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फाइनली लैक्टिनो नाइट्रिल पेन। ओके तो इसमें क्या है कि लोकस बाय प्रोड्यूसिंग अ स्मेली फेरोमोन कॉल्ड पैन अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी द डिस्कवरी ऑफ एन एंटी कैनिबलिज्म सिग्नलिंग पाथवे इन लोकस कुड प्रोवाइड द लार्जेस्ट फॉर लोकस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये क्या लोकस की मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एक तरीके से स्ट्रेटेजी है जिससे कि वो अपने आप को ही क्या कर रहे हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। ओके नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज एटमॉस्फेरिक डस्ट हेल्प नरिश ओशन इकोसिस्टम। जो एटमॉस्फेरिक डस्ट होता है एक तरीके से ये क्या होगा एटमॉस्फेरिक डस्ट जो हमारा एरिड रीजन होता है जैसे कि आप एक तरीके से कह सकते हैं सैंड होता है ये जब यहाँ पे हवा में उड़ता है और हवा में उड़ के ये कहाँ जाता है ओशन रीजन में जाता है तो एक तरीके से ये क्या बन रहा है जो ओशन सिस्टम है ओशन का इकोसिस्टम है उसको नरिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सैंड है उससे यहाँ पर जो ओशनिक हमारा इकोसिस्टम है उनसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं आप एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स डिराइव फ्रॉम एटमॉस्फेरिक डस्ट डिपोजिट्स ऑन ओशन सरफेस प्ले अ की रोल इन मेडिएटिंग ग्लोबल फाइटोप्लैंक्टन बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टाइम पे जो फाइटोप्लैंक्टन का यहाँ पे बायोमास हो रहा है मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा तेजी से ही जो बढ़ रहे हैं तो उसका एक रीज़न ये है कि एटमॉस्फेरिक जो डस्ट है एक तरीके से उनके लिए न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं। ओके और ये क्या हो जाता है हवा में ये उड़ता है और ये ओशन जो हमारा सरफेस होता है वहाँ पर डिपोजिट होते जाता है और डिपोजिट होते 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 यहाँ पर क्या होता है ये एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको फाइटोप्लैंक्टन्स को। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज वेस्ट वाटर स्टडी डिटेक्ट अ लार्ज साइलेंट वेव इन बेंगलुरु। यहाँ पर क्या किया जा रहा है जो वेस्ट वाटर है हमारा सीवेज का वाटर है उस वाटर को लेकर उसमें स्टडी की जा रही है। आपने यहाँ पर हमने देखा था कि 2020 में इंडिया में क्या हुआ था कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था। अब यहाँ पे जो कोविड-19 के वेरियस जो वेरिएंट्स हैं वो हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर हमें इंडिया किससे डील कर रहा है XBB.1.6 ओमिक्रॉन का ये जो न्यू एक तरीके से आप कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट है इसको यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है किसको XBB.1.16 को। ओके अब यहाँ पर क्या हुआ जैसे कि पहले हम टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे आप थ्रेड की टेस्टिंग वेरियस यहाँ पे जो RT-PCR ये टेस्टिंग की जा रही है उसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हाँ इस पर्सन को वायरस है मतलब इस वायरस से वो यहाँ पर डायग्नोस्ड है या फिर नहीं है। बट यहाँ पर अब क्या हुआ है बेंगलुरु में क्या किया जा रहा है कि जो सीवेज का वाटर होता है ना सीवेज का जो वाटर होता है उसकी यहाँ पे स्टडी की जा रही है और उसमें ये पता चला कि ये जो हमारा ओमिक्रॉन का न्यू वायरस है ना जो ओमिक्रॉन कोविड-19 का ये जो न्यू वायरस है इसमें क्या हुआ इसके हमें कुछ जो RNA फैक्टर हैं वो हमें मिले हैं जिसके कारण ये पता चल रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं बेंगलुरु में वो क्या है ये जो ओमिक्रॉन वायरस है इससे यहाँ पे क्या है डायग्नोस्ड है। इसका यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल यहाँ पे सिम्टम्स आपको सामने नजर में नहीं आ रहे हैं बट स्टिल उन पर्सन में क्या है ये जो वायरस है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये स्टडी मतलब कि हमने ये कैसा कि ये हमारी बहुत ही पुरानी मतलब मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं जो सीवेज वाटर होता है जब इंडिया में यहाँ पे जो पोलियो के केसेस थे डिकेड्स पहले हम देखेंगे कि जो पोलियो के केसेस थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहे थे बढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी हमने यहाँ पर क्या किया था जो सीवेज वाटर था उसमें यहाँ पर देखा था कि पोलियो वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस स्टडी में क्या सामने निकल कर आए कि हमने वेरियस स्टेज के मतलब कि हर बेंगलुरु में बहुत सारी जगह के जो सीवेज वाटर है वीकली यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है उस वाटर को वीकली उसका टेस्ट किया जा रहा है और उसमें वहाँ पर ओमिक्रॉन मतलब कि BA.2 जो ओमिक्रॉन है इसके यहाँ पे कुछ जो RNA फैक्टर हैं जो RNA है ये हमें यहाँ पे फाइंड हुआ है। तो एक तरीके से ये क्या कहा जा रहा है कि वेस्ट वाटर स्टडी से हमने क्या डिटेक्ट किया एक साइलेंट वेव है यहाँ पर मतलब कि जो अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं इस वायरस से यहाँ पे क्या है डायग्नोस्ड है तो हमें यहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे साइंस एंड टेक में हमने इन्हें सारे पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।